ओ माय गॉड, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने भाभी जी को चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। गॉड, आई एम सो डिवास्टेड। यार भाभी जी बड़ी फ्लेक्सिबल है यार, लेकिन जिमनास्ट उचक के आई उचक के चली गई। लगता है तुम स्कूल में डेफिनेटली एथलीट रही होंगे। हाँ शीश, लेकिन यार ये चोरी क्यों कर रही है यार, चोरी क्यों कर रही है? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हमको? भाभी जी, मैं आपके अंदर की ओनी को देख रहा हूँ। अक्का बोले तो भाभी जी आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, हम तो कुछ भी परेशान नहीं हैं, कुछ नहीं। रात को आपको नींद आती है? हाँ आती है। कल रात को भी आई थी? हाँ आई थी ना। कल रात को आप अपने बेडरूम में थी? हाँ, तो कब फालतू का सवाल पूछ रहे, हम अपने ही बेडरूम में होंगे ना, आपके बेडरूम में तो नहीं होंगे। जनरली पूछ रहा भाभी जी, ऑफेंड मत होइए, मैं जनरली पूछ रहा हूं। लेकिन कहां है पूछ रहे ये सब? भाभी जी, मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक टीवी पे न्यूज रिपोर्ट देखी है। का रिपोर्ट देखे? भाभी जी, रिपोर्ट ये थी कि एक दिमागी बीमारी चल रही है। हाँ दिया, कैसा बीमारी? भाभी, इस बीमारी में क्या है कि इंसान को नींद नहीं आती है। अच्छा, और का सिस्टम है? ओके जी, वो सिम्टम्स होता है। सही पकड़े हैं। और का लक्षण है? सिम्टम्स ये है कि आदमी के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं और मारने पीटने का दिल करता है, चोरी करने का दिल करता है। अच्छा, लेकिन कौन फिकर का बात नहीं है, हमको तो ऐसा कुछ नहीं है। भाभी जी, फिर भी अगर आपको बीमारी हो जाए और आपका दिल करे चोरी करने का, तो मैं अपने घर की सारी तिजोरियां खोल दूंगा आपके लिए। का फायदा, हम तो तिजोरी खोल चुके हैं। कुछ नहीं, का है? अब चलिए, अब हम चलते हैं। हाँ भरभूति जी, बाय बाय। भाभी जी, हाँ? अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, ठीक बा, हाँ? बाय बाय। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? I'm really sorry, मास्टर साहब, I'm really sorry, baby. आदर्श है ना ये? हाँ। बहुत स्वीट है, एकदम अंग्रेज बच्चा लगता है एकदम। आप ही नहीं है? अरे ओ कचेड़ू, आया मम्मी जी, आया। पता नहीं क्या हो गया। कमाल हो गया मम्मी जी, मैं तो इतनी आश्चर्य में हूँ। बताओ, किसी की इतनी हिम्मत कि आपके घर में घुस कर आपका हार चुरा लिया, वेरी बैड। अरे आप मुझे क्यों बोल रही है? क्या मॉम, आप चिल्ला क्यों रही थी? कचेड़ू। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? मेरा हार, मेरा खानदानी हार चोरी हो गया तेरे घर से। हार चोरी हो गया? कौन सा वाला? अरे विभू, वही जिसका उस दिन वो शो ऑफ कर रही थी ना। मैं शो ऑफ कर रही थी? मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन शो ऑफ तो आप कर रही थी। आप शो ऑफ कर रही थी? अरे शो ऑफ करने की तो इसे और इसके खानदान को आदत है। तुम्हें तो कुछ और कह रही है। हाँ, मुझे का बीमारी, मैंने कब शो ऑफ किया? मैं तो कभी शो ऑफ नहीं करती। इसने कब शो ऑफ किया? इसने कभी शो ऑफ नहीं करती। कब शो ऑफ नहीं किया? कब शो ऑफ नहीं किया तुमने? तुम चुप रहो,
हमेशा मम्मी जी मुझ पर तंस कसती हैं, पूछती रहती हैं, बहू ये साड़ी कहाँ से आई, ये कितने मिली, अच्छा ये इतने मिली, सेल से ली, तमाम तरह के सवाल करती रहती है मुझसे हर वक्त। अब ये गलत बात है, आप क्यों इतने सवाल पूछती हो अनु से? तू चुप हो जा जोरू के गुलाम और मेरा हार लाकर दे मुझे। मैं कहाँ से लाकर दूंगा आपको हार? जिसने चुराया उससे लाकर दे। मुझे क्या पता किसने चुराया। चल इस काम में मैं तेरी मदद कर देती हूँ, वो हार जो है ना तेरी बीवी ने चुराया है। What? आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है? अरे तुम चुप हो, तुम्हारे होंठ सिल गए हैं क्या, बोलो ना कुछ। आप अनु पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? मैं सच कह रही हूँ, वो हार इसी ने चुराया है, मेरे पीछे पड़ी रहती थी वो हार हथियाने के लिए। गलत बात, तुम क्यों पीछे पड़ी थी मम्मी के उस हार को हथियाने के लिए? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं नजर नहीं डाल रही थी, मैं तो आजमा रही थी कि मम्मी जी का दिल कितना बड़ा है। वो इम्तिहान ले रही थी आपका। अच्छा ये कौन सी मास्टरनी हो गई है जो मेरा इम्तिहान ले रही थी, हार इसी ने चुराया है। मैंने हार नहीं चुराया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो हार तू नहीं चुराया, मैंने तुझे कल रात नीचे देखा था। अरे मम्मी जी वो मैं पानी पीने आई थी। पानी वानी कुछ पीने नहीं आई थी, हार चुराने आई थी तू। की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की, इतना गुस्सा आ रहा ना, मन करता मुख को मार के उनके खरगोश के दांत तोड़ दूं। उनके दांत खरगोश जैसे हैं? शट अप। ओके चलो, अरे मेरी बात सुनो। क्या सुनूं, सुनने के लिए रह क्या गया है, तुम्हारी मम्मी ने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है। बेबी तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, जस्ट ओवर रिएक्टिंग फॉर नथिंग। तुम्हारी मम्मी मुझ पे घटिया इल्जाम पे इल्जाम इल्जाम पे इल्जाम लगाती जाए और मैं रिएक्ट भी ना करूं। देखो यार एक बड़े फेमस फिलोसोफर गुजरे हैं शॉशैंक बेली, उन्होंने एक किताब लिखी है ह्यूमन एक्सप्रेशंस। उस किताब में साफ साफ लिखा है, उनकी थ्योरी ये कहती है कि अगर आप किसी इंसान पर इल्जाम लगाते हैं और वो जो इंसान है ओवर रिएक्ट करता है, ज्यादा रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो छक्की जो सुई है उस इंसान पे आके अटक जाती है। That's the theory he says. तुम कहना चाहते हो कि मैं चोरी कर सकती हूँ? यार मैं क्यों कहना चाहूंगा यार, तुम्हारा घर, तुम चोरी क्यों करोगे इस घर में यार, वाह। ऐसा कर सकती हूँ कि एक चीज यहाँ से उठाई, यहाँ से उठा के वहां रख दी। That's the maximum you can do. शिबू तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। यार अगर तूने मम्मी का हार चुरा भी लिया है, मेरा मतलब है कि गलती से उठा भी लिया है, तो ऐसा रिएक्ट करने की क्या जरूरत है यार। जाओ उनके पास और उनसे बोलो कि मम्मी आपका हार मेरे पास रखा है गलती से, जस्ट टेक इट, ऑल ओवर, चैप्टर क्लोज। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसा लगता है कि मैंने हार चुराया है? आई डोंट बिलीव। सुन लो कान खोल कर, कह दो अपनी मम्मी से कि वो झूठ बोल रही है, मैंने हार नहीं चुराया है। Calm down, don't behave like a psycho. You are a psycho. और तुम्हारा relax गया भाड़ में। तुमने आज मुझे बहुत hurt किया। I hate you. I hate you. Andu, Andu. इतने तुच्छे से हार के लिए तुमने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया, तुच्छे से हार के लिए, तुच्छे से हार। वो तुच्छा नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव हार है यार। तुम्हारा एक्सपेंसिव गया गुया के खेत में। यार प्लीज बहुत एक्सपेंसिव हार है, गुया खेत में मत फेंको यार प्लीज। नो मॉम आई एम सॉरी, आपका हार अनु ने नहीं चुराया। अच्छा उसने कह दिया और तूने मान लिया? वो उस तरह की लड़की है ही नहीं, she is a different girl. अच्छा yeah. अच्छा तो ठीक है फिर, हार खोने की रिपोर्ट हम थाने में दर्ज करवा देते। लेकिन पुलिस क्यों, why? क्योंकि पुलिस चोर और हार दोनों को ढूंढ निकालेगी। मॉम इतिहास गवाह है कि आज तक मिश्रा निवास की चौखट पर पुलिस ने कदम नहीं रखा है। ओ फालतू की बातें मत कर तू, पप्पू सिंह रोज यहाँ बैठ कर चाय पीता है। मॉम वो दोस्ताना हैसियत से आता है, पुलिसाना हैसियत से नहीं आता। तो ठीक है फिर, आज वो पुलिसियाना हैसियत से ही आएगा। यार मम्मी तो पुलिस बिराने पे तुली हुई है, और अगर पुलिस आ गई तो भाभी जी फंस जाएंगी, और मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। पुलिस बुला ना, सुन काहे बैठ गया। क्या बात भूति जी, आंटी पुलिस बुला लेगी? आंटी आपको कौन पे शक है का? घूर क्या रही है, बोलिए ना साफ साफ, मैंने चुराया है हार। सुन लिया। अरे ये कैसी बातें कर रही गोरी मैम आप,
आप बिल्कुल ना चोरी कर सकती, आप तो जब मोहल्ला की सब सुशील और महान महिला हो। एक बात बता, आओ। ये अपनी तारीफ करने के पैसे देती है क्या तुझे? ए, कैसी वाहियात बातें कर रही है, मैं क्यों दूंगी पैसे? नहीं होती है ना कई औरतों को अपनी तारीफ सुनने की आदत। आप करती होंगी ऐसा, मुझे नहीं ऐसी कोई आदत। मम्मी ये सब क्या है? And why is this creep here? कहा था ना तुझे हार की रिपोर्ट लिखवा रही हूँ। और हम लिख रहे हैं ताकि तकलीफ ना। कोई तकलीफ नहीं, देखिए सर जी। हाँ हाँ मकवाना बोलो। सर जी किचन के प्लेटफॉर्म पे फुटप्रिंट मिले हैं? हाँ जी लियो। आंटी सुन रही, वो चोरों चक्का सारो खिड़की से हाथ साफ कर गो। एक्चुअली वो फुटप्रिंट्स मेरे हैं, जो प्लेटफॉर्म पर जो निशान है कदमों के वो मेरे हैं, बिकॉज मैं जाला साफ कर रहा था ऊपर से। प्रणाम गुरु जी। जी जी गुरु जी जी, मैंने बात कर ली है जी, मैंने सूचना दे दी आगरा के पागलखाने में कि आप पधार रहे हैं। जी जी, शौक की अति उत्तम व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया प्रबंध है गुरु जी। क्षमा कर दें गुरु जी। जी जी जी, वो असल में गली के कुछ आवारा कुत्ते भौंक रहे हैं, इस वजह से क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम कुत्ता तो तू पागल कुत्ता। मैं अपने गुरु से बात कर रहा था समझे, और तुम लोगों ने अचानक यहाँ पर आकर कुत्तों के स्टाइल में, भौंकने वाले स्टाइल में जो हंसना शुरू किया, मेरे गुरु जी नाराज हो गए मुझसे। अच्छा गुरु जी से बातें कर रहे थे तो क्या हम तीनों नाचे यूं करके हैं? अरे तुम्हारे गुरु जी गए घुइया के खेत में। लौंडो देखो, मैं तुम लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे गुरु का अपमान मत करो। सक्सेना भैया एक मिनट, जा आदमी को आप गुरु बोल रहे हैं ना, वो एक नंबर को फॉरवर्ड है। आती रहेंगी बहारे, जाती रहेंगी बहारे। I don't like it. मकबाना। हाँ जी सर। तेरे हिसाब से जो बता, कातिल कौन हो सकता है? कातिल का नहीं, अरे यार असल में आजकल क्राइम के सीरियल देख रहे हैं ना, खोपड़िया में कातिल फेट हो गए हुए। ना ना गलत बात, हमारो मतलब का है मकवाना कि चोर चोर कौन हो सकते हुए? देखिए सर जी, चोर तो कोई भी हो सकता है ना। कोई समझो बता, जब चोरी भाई बटेम पे तुम कहाँ आते हो सर? मतलब आप हम पे शक कर रहे हैं? हम पे शक कर रहे को का मतलब, तुम सारे गांव के चौधरी गवर्नर हो का? तुम पड़ोसी हो सारे, तुम पे पूरा शक कर सकते हैं। बताओ कहाँ थे पड़ोसी? हकलाओ ना पूरा, बताओ कहाँ थे? अरे भाई पड़ोसी है, कोई चोर तो नहीं है। और आपकी जानकारी के बता दें कि जिस समय हार चोरी हो उस समय हम अपने बेडरूम में सो रहे थे। दरोगा जी, दरोगा जी सुनिए सुनिए सुनिए, एक्चुअली आप बबूल के पेड़ पर से आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये दरोगा जी कि आप गलत दरवाजे खटखटा रहे हैं, आपका मुजरिम इनमें से कोई भी नहीं है जिन पर आप डाउट कर रहे हैं। मैं तो किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ भैया टिल्लू टीका और मलखान की। सही, कब बात कर रहे हैं तुम सक्सेना? जी हाँ। तुम कहना चाह रहे हो कि जो मोहल्ला के सारे तीन लबंडर टीका मलखान टिल्लू इन्हें चोरी करी? जी हाँ, इन तीनों को मैंने अपनी आंखों से अनीता भाभी माँ के घर में घुसते हुए देखा। बिल्कुल बिल्कुल याद है दरोगा जी, हमने खुद जो है उन तीनों को भाभूजी के यहाँ घुसते हुए देखा था। एक मिनट आपने अभी कहा कि आप उस समय बेडरूम में घोड़े बेच के सो रहे थे। नहीं वो तुम हकलाए, तुम तबारी। अरे भाई पानी पीने के लिए उठे थे उस समय देख लिया था। बच गया। दरोगा जी सुनिए ना, आप बिना मतलब का फालतू में इतना घुस रहे हैं, आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है। जब मैंने आपको कहा कि मैंने अपनी इन नंगी आंखों से उन तीनों लौंडों को अनीता भाई माँ के घर में घुसते हुए देखा, तो आप जाइए और गिरफ्तार कीजिए ना उन तीनों को। जाइए जा, 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 बाकी सही बोल रहे सक्सेना जी।
मखवाना जी सर, जो सक्सेना बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम तीन अंगन को बिल्कुल घसीटते हुए हमारी आंखों के सामने पेश करो। बिल्कुल सर, उठा तंबूरा, चल। सर जी बड़ा भारी है। भारी है तो सारे, तू भी तो भारी है, हम उठाएंगे कब? सर जी ड्राइव भी तो करना है। वेल डन। आई लाइक इट। अरे सक्सेना, जब कौन से जन्म को बदला निकाल रहे हो तुम से? इसे जन्म का। बोला अरे मैं कौन सा बदला निकाल रहा हूँ यार तुम लोगों से? तो फिर हम तीनों के खिलाफ झूठी गवाही क्यों दे रहे हो तुम? ऐसा है लौंडो कि मैंने तुम लोगों को अपनी इन नंगी आंखों से गैर कानूनी काम करते हुए देखा है। सक्सेना तू झूठ बोल रहे हो तू? ए तेरे कीड़े पड़क गए लंबे लंबे, हमने ना चुनाए हार, बकवास कर रहे हो फालतू की। अरी बोरी भैया। अबे ओ ये डंडा जब पिछवाड़े पे पाड़ा ना, तोते की तरह बोलोगे तुम तीनों। हाँ तुम आते हो का है, हम गरीबन पे लट बरसाओ, हमें सताओ, हमें तरपाओ। ऐसो है, ज्यादा गरीब गरीब ना कर है, तो को क्या लगता है ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, इतने इमोशनली कहानी सुनाएगा तो हम पिघल जाएंगे, बड़ी गलत फहमी में जी रहा हुआ है। मकबाना जी सर जी, इन तीनों को ना ऐसी ऐसी डिग्री दे दे, मतलब चाहे जैसी डिग्री दे दे, सारी डिग्री दे डाल, बस जुर्म कबूल करना चाहिए ने सारन के। सर जी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको मेरे टैलेंट पे शक है? याद है जब मैं पुलिस कमिश्नर था और आपको एक औरत को छेड़ने के चक्कर में मैंने गिरफ्तार किया था? याद है सर जी, ये भी याद होगा कि मैंने आपको कैसे कुत्ते की तरह धोया था, चीखें निकलवा दी थी सर जी आपकी। और गरम गरम सरिया आपकी का है, इतने जो केस चल रहा हो ना, तू सारे पुरानी यादन में घुस जा, सब बता दे, पूरी फुल स्टोरी बता दिए थे, अब है कि केस में ध्यान ना दइए। मखमान अंकल जी, ये तो बताओ गरम सरिये का क्या करो? तो आपने क्या करो तो बताएं। मनोहर बेटा, तीन दइए सरिया गरम करवा बढ़िया। गरम सरिया, कैसा है? ठीक है, कुछ डिफरेंट है बेबू, खट्टा खट्टा लग रहा है, तुमने अमचूर डाला है क्या? नहीं तो जो तो डाला मैंने। अच्छा खट्टा लग रहा है, एक्चुअली क्या है ये तीन दिन पुराना, मतलब तीन दिन का बासी है, मैंने माइक्रो में गर्म करके दे दिया तुम्हें। तीन दिन का बासी क्यों दे दिया मुझे? तुम तो यूजुअली हो जाता है, लेकिन यार आई थिंक हमारा फ्रिज खराब हो गया यार, फ्रिज ठीक करना पड़ेगा। ए भगवान, तुमने मुझे तीन दिन का बासी खाना खिला दिया बेबू, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई तो? डोंट वरी, तुम्हें नहीं होगी, तुम रेगुलर खा रही हो तीन दिन के बाद। और चलो मतलब फर्स्ट टाइम मैं देता हूँ तुम्हें। भगवान, उस हार की वजह से मेरा तो मन ही नहीं करता कुछ खाने को। 10 समोसे खा चुके हैं। देख रहा तू खचेड़ू, तेरी बीवी ना मेरे खाने का भी हिसाब किताब रखती है, समोसे गिन रही है मेरे। This is very unfair. अरे विभू, मैं उस संदर्भ में नहीं कह रही हूँ। मम्मी ये उस संदर्भ में कह ही नहीं रही है। तो किस संदर्भ में कहा था? तो फिर किस संदर्भ में कह रही है? विभू अभी मम्मी जी कह रही थी ना कि हार की वजह से मेरे मुंह में एक निवाला भी अंदर नहीं जा रहा है, मैं ये कह रही थी कि 8-10 समोसे तो अंदर गए। अरे तू कौन सा गुनाह कर दिया, फांसी पे चढ़ाएगी मुझे? तुम क्या फांसी पे चढ़ाओगी मम्मी को, समोसे खा लिए इसलिए? देखो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोल देते हो, क्या तुमने मुझे जल्लाद समझ के रखा है? मम्मी ये कोई जल्लाद है क्या जो आपको फांसी पे चढ़ाएगी? दिस इज नॉट फेयर। तू चुप हो जा। भाभी जी घर पर है? अभी तक तो घर पर ही है, ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं घर पर रहेंगी या नहीं। जरा ध्यान से हैं, चोर ना किसी भी तरह पकड़ा जाना चाहिए बस। आंटी जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे मंत्र इतने पावरफुल हैं कि चोर जहां भी होगा ना आपके सामने आकर नाचने लगेगा। मैं जो मंत्र बोलूंगा आपको मेरे साथ साथ दोहराने हैं। ठीक है दोहराऊंगी। और ये जो हमारे गुरुदेव है ना,
जिनका मंत्र है उनको प्रसन्न करना होगा। वो कैसे प्रसन्न करना होगा? आपको डांस करके। अरे तू ये तंत्र विद्या कर रहा है या मुझसे मुजरा करवाना चाह रहा है? नहीं नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल क्या है ना, ये डांस एक प्रक्रिया का हिस्सा है, इससे गुरुदेव प्रसन्न होंगे। अच्छा, अब इतने कीमती हार के लिए तो नाचना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलिए तो प्रक्रिया शुरू करते। मैं जो बोलता हूँ आप मेरे साथ दोहराइए। जय बाबा लक्कड़नाथ की, चंडाल चौकड़ी बाबा की खोपड़ी। बोल बाबा लक्कड़नाथ महाराज की जय। ये क्या नाटक चल रहा है? नाटक नहीं चल रहा है, चोर को पकड़ने की पूजा पाठ करवा रही हूँ मैं। What's happening? क्या हो रहा है ये? What is it? देख लो अपनी मम्मी जी को, अपने घर को शमशान घाट बना दिया है उन्होंने। ये देखो, ये असंस्कारी बहू है मेरी, है? अरे मेरी भैया, ये सारो तेल चढ़ा रहा है लट पर यार। मगवाना तेरा सत्यानाश जाए सारे। सर हम जैन सर जैन जो बताए ससुरन ने अपनो जुर्म कबूलो के ना कबूलो? नहीं सर जी, अभी तक कुछ नहीं। बड़े काम कर ना, सारन के कुत्तन जैसे घसीट के ले जाए झकर कटी की झाड़ियन में और होता ही ठोंक दे। दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं इन लौंडों की जमानत ले रहा हूँ। अरे यार क्या आदमी है, जाने तो हमें फंसवाए तो। यार मेरा दिमाग भी नोट हो रही है, ये आदमी हमारी जमानत भी ले रही है। यार सक्सेना तू अजीब आदमी है, तू नहीं इनको पकड़वा हुआ तू ना, और सारे बयान से मुकर रहो। ऐसा है दरोगा हप्पू सिंह जी कि नाउ आई एम सक्सेना, और मैं अभी भी अपने इस बयान पर कायम हूं कि वो हार इन्हीं तीनों ने चुराया है, छोड़ना मत इनको। लेकिन दरोगा जी आप इस बात को समझ लीजिए कि मैं एक लॉयर हूं, और एक वकील होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि किसी भी मासूम के साथ नाइंसाफी ना होने दूं, अन्याय ना होने दूं, नो इनजस्टिस जी। ओ भाई साहब, ऐसे सक्सेना आपकी गवाही भी तो मायने रखती है। कोई मायने नहीं रखती, बल्कि आपने एक पागल आदमी के गवाही के आधार पर इन मासूमों को गिरफ्तार कर लिया है, आपने कानून का मजाक उड़ाया है, और ये जो आपने किया है ना, इसके लिए आपके ऊपर मिस्टर मकवाना बहुत सारी धाराएं लग सकती हैं। करो कुछ। ओके, हम इन ससुरन की जमानत कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, इन लोगों ने चोरी की है, आप इनको छोड़ नहीं सकते। यार तू अजीब मुसीबत आदमी है। अरे जो बार बार खोल लो कोर्ट, इनको खोलो। सुनिए, अगर आपने इन लौंडों को जमानत नहीं देना तो ये एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना आपके खिलाफ कोर्ट में केस करेगा। अरे कट, ओ दादा तू खोल इनको, खोल पहले खोल सक्सेना से, जो बार बार कोर्ट खोल रहा है। मैं अभी जाता हूँ सर जी। तू कोर्ट पहने रहा, कोर्ट पहने, जल्दी खोल कोर्ट। बार 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 ओ दादा, ओ हीरा आ जा। आ गए। सक्सेना भैया, हमें समझ में ना आ रहा हूँ कि हम आपका धन्यवाद करें या गाली दें आपको। लौंडे एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना को धन्यवाद दे और सक्सेना को गाली दे। साले भुतनी के सक्सेना, कसम खा के कह रही हूँ तेरे लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे भुतनी के। माय बाप एडवोकेट सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम तीनों को रिहा करा दिया। अरे ओ दादा मकवाना, यू क्या चल रहा है यार? सर जी लगता है कोट फिटिंग का नहीं है। आंटी जी को नमस्ते हैगी, खुश रहो। ना ना आंटी जी, खुश तो हम है ही। और बताओ आंटी, आपकी का सेवा करें? मुजरा कर दे।
बहुत मजाक करती हूँ आप आंटी। ये अंगूरी बिना पता नहीं कौन कौन से उल्टे सीधे काम हमसे करवा रही है। अगर मेन डोर से जाएंगे तो फंस जाएंगे। ये रास्ता ठीक है। असल में हम जो जानकारी देने आए थे आपको कि भी अपने मोहल्ला के हैं ना टीका मलखान तिल्लू। अरे है? मेरा हार खचेड़। देखो आंटी हम आपके लाने कितने लकी हैं ससुर। तू चुप कर। पर ये आया तो यहाँ से है पर फेंका किसने है? आ बाबा अब कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? यही कि ये हार तूने चुराया था। अरे मम्मी जी आपका हार मिल गया। अरे वाह हार मिल गया। कहाँ से आया हार? लगता किसी ने बाहर से फेंका है। अच्छा किसने? अब इतनी अनजान भी मत बन। तेरा सारा ड्रामा मुझे पता चल गया। ड्रामा? कैसा ड्रामा? वो तांत्रिक वो डॉक्टर जो आया था उसने कहा था ना जिसने हार चुराया है वो उल्टियां करेगा। तुझे उल्टी हो गई। बस तुझे लगा कि लो अब तो मेरा भांडा फूट जाएगा सबको पता चल जाएगा तो बस तूने ना ये हार उठाकर यहाँ फेंक दिया। मम्मी जी भगवान से डरिए। कितना घटिया इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर। उसका डर जाओ ना क्या है उसमें? क्यों ये इल्जाम नहीं है एकदम सच है। झूठ है ये और उस उल्टी की वजह भी आपका ये खजेड़ू है। I'm sorry, I'm really sorry, okay? इसका मतलब तू माँ बनने वाली है? अरे मम्मी जी आपके सामने की तो बात है विभू ने मुझे 3 दिन पुराना नाश्ता दे दिया था उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे उल्टियाँ हो गई। उल्टियाँ हो रही? गोरी मैम का गोरी मैम हाय हाय। असल में गोरी मैम हम क्या कह रहे हैं अगर आपको ज्यादा खांसी खुर्रा या उल्टियाँ हो रही है ना तो बढ़िया से बारीक काली मिर्च पीसो नींबू के अंदर घुसेड़ो और खूब पेल पेल के चाटो फर्क पड़ जाएगा। एक बात बता हैं तू दरोगा है कि हकीम? ना ना दरोगा है आंटी। तो फिर अपनी दरोगा ही कर ये हकीमगिरी क्यों झाड़ रहा भाई? ओके ये देखिए कहा है कि हम सिवैया बनाए हैं बहुत ही अच्छा है खाई और खा। आई दिया ये हार तो यहाँ है ये यहाँ कैसे आ गया? हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो आंटी जी। देख ऐसा है कि तू ना मुझे आंटी जी मत कहा कर दीदी बोल दिया कर। मॉम प्लीज बी मोर रियलिस्टिक यू क्रॉस दैट एज राइट। चुप रह। हप्पू सिंह जी फांसी पर चढ़ा दीजिए मुझे। अगर मैं गुनेगार हूं तो लटका दीजिए मुझे फांसी के फंदे पर। लेकिन अगर ये झूठ निकला तो मैं कुछ लोगों पर 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करूंगी। वाह 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 ये तो कसम से कह रहे शाहरुख कमाल हो गो। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है भैया। अरे गोइया को चमत्कार है माँ साहब जो चमत्कार का ढूंढना है। असल में जो दरोगा हप्पू सिंह को खौफ है गु दरोगा हप्पू सिंह को टेरर है गु दरोगा हप्पू सिंह की जो दहशत हैगी है भी? बिल्कुल सर बहुत दहशत है जी बहुत दहशत है। अबे ओ क्या गुइया की दहशत है तेरी? तेरे इलाके में सरेआम लोगों की जेबें कट रही है और लोगों के घरों में चोरियां हो रही है। बात कर रहा है कि टेरर है। कैसे मार साहब हमारी कौन दिन खोपड़ी खराब होगी तुम्हारे पीछे ससुर हम गुल्लू लगा देंगे। बकवास कर रहा हो। हाँ तो हम जो कह रहे थे कि जॉन गोरी मैम का चोरी भाई थी ना सारे चोर वही हार अपने आप फेंक कर भाग गए। दरवाजे आप जानना नहीं चाहेंगे कि अनीता भाई माँ के घर में वो हार कौन फेंक कर गया था? कौन फेंक के भागू तू? ये है अपने टिल्लू टीका और मलखान। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।